नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के संबंध में अत्यंत ही महत्वपूर्ण गाइडेंस क्लासेस को लेकर आई हूँ। और आज के इस गाइडेंस क्लासेस में आप सभी को मेरे द्वारा यह बताया जाना है कि सफलता के लिए सही पुस्तकों का चयन करना क्यों जरूरी है। जी हाँ, आज की क्लासेस का जो विषय है वो है सफलता के लिए सही पुस्तकों का चयन क्यों जरूरी है। किस प्रकार से आप सभी द्वारा चुनी गई पुस्तक आपके सफलता और असफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसके संबंध में आज मेरे द्वारा कुछ महत्वपूर्ण गाइडेंस प्रोवाइड कराया जाना है। साथियों, सबसे पहले आप सभी को अवगत कराना है कि जब भी आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो आपको उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मार्ग से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं उसका संज्ञान होना अत्यंत आवश्यक होता है। तत्क्रम में साथियों, हम एक रणनीति बनाते हैं और उस रणनीति में हम ये तय करते हैं कि हमें अपने लक्ष्य पर जाने के लिए बाय फ्लाइट चयन करना है, बाय ट्रेन चयन करना है या बाय रूट चयन करना है। उसके बाद हम सभी एक मुकाम बनाने के लिए पूर्ण टाइम टेबल को सृजित करते हैं। तो साथियों, इस प्रक्रिया के क्रम में हम अपने लक्ष्य की ओर गतिशील होते हैं और ठीक यही प्रक्रिया और ये गतिशीलता आप सभी को अपने परीक्षा के लिए भी अपनानी होती है। साथियों, आप सभी को अवगत कराना है कि मार्केट में तमाम प्रकार की पुस्तकें हैं जो हमें यह सूचना उपलब्ध कराती है कि ये पुस्तकें काफ़ी बेहतर है, ये पुस्तकें काफ़ी बेहतर है। और कुछ किताबों में तो इस प्रकार से फैक्ट का समायोजन किया जाता है कि हमें लगता है कि यह पुस्तक ही सबसे बेहतरीन अध्ययन सामग्री है। अब कुछ पुस्तकों को आप जब 3 से 4 पेज अध्ययन करते हैं तो आपको लगता है कि इस पुस्तक से ही सारे क्वेश्चन को पूछा गया है, लेकिन साथियों क्या पता कि आगामी परीक्षा में उस पुस्तक से प्रश्न पूछे जाएंगे कि नहीं पूछे जाएंगे। क्योंकि आजकल वर्तमान में जितनी भी मार्केट में प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिगत जो पुस्तकें आ रही हैं उनकी खास बात है कि वे संबंधित परीक्षा की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अप टू डेट करके समायोजित कर रहे हैं। तत्क्रम में आपको यह मिस्टेक होता है कि यह किताब ही सबसे बेहतर है आपके एग्जाम के लिए, लेकिन जब आप उस किताब को पूर्ण लगन के साथ पढ़ते हैं, एग्जाम में बैठते हैं तो आप अवगत हो जाते हैं, अर्थात आपको यह मालूम हो जाता है कि यह किताब आपके लिए उचित नहीं था, क्योंकि उससे जो क्वेश्चन पूछे गए होते हैं वे भिन्न प्रकार के होते हैं, समान रूप से उस पुस्तक से प्रश्न नहीं पूछा गया रहता है, जिसके कारण आप सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। और परिणाम यह होता है कि आप इस डिसीजन में चले जाते हैं कि क्वेश्चन तो काफ़ी टफ था। जी हाँ, परिणाम में आप क्या चले जाते हैं, क्वेश्चन तो काफ़ी टफ था, परीक्षा का पैटर्न चेंज हो चुका है आदि तमाम प्रकार के प्रश्न आपके मन में उमड़ता है। आखिर ये होता क्यों है? इसका मुख्य कारण है ऑथेंटिक पुस्तकों का चयन नहीं करना। हाँ, ये बात है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके लिए आप फैक्ट बेस्ड किताब आपको पढ़नी होगी, लेकिन कुछ ऐसी किताबें हैं जिसके लिए कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। साथियों, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप किसी भी पुस्तक को पढ़ने से पहले सबसे पहले आप इस चीज़ को निर्धारित करेंगे कि वह पुस्तक आपके लिए उपयोगी है अथवा नहीं है। और अब तो आप सभी के पास पर्याप्त समय है मेरे द्वारा आप सभी के बीच इस परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकों की सूची उपलब्ध कराई गई और बताया भी गया कि यह पुस्तक क्यों आपके लिए बेहद उपयोगी है। साथियों, पिछले बैचेस के लिए भी मेरे द्वारा पुस्तकों की सूची आप सभी को उपलब्ध कराई गई। जो भी युवा उस पुस्तक को गहनता के साथ, विश्लेषण के साथ, पूर्ण फैक्ट के साथ कम से कम 2 से 3 बार उन पुस्तकों को पढ़े, वे न सिर्फ हर एक क्वेश्चन को सही किए हैं बल्कि सेटिस्फाइड हैं फाइनल रिजल्ट में अपने सुनिश्चित सफलता के लिए। तो साथियों, जो भी क्वेश्चन गलत हो रहा है उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण है सही पुस्तकों का चयन नहीं करना और रिवीजन का अभाव। जब आप सही पुस्तकों का चयन कर लेते हैं, बार बार रिवीजन करते हैं, तब कहीं आप प्रश्नों का सही उत्तर देते हैं। साथियों, बार बार रिवीजन करने से फ़ायदा यह होता है कि आपकी कंफ्यूजन दूर होते हैं, आप
इस चीज से अवगत हो जाते हैं कि क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं। मैं पहले ही से आप सभी को अवगत करा चुकी इस परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपको एक गाइडलाइन प्रदान करते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। जी हाँ, आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड कराते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन बन रहे हैं, आगामी परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं। मैं हमेशा आप सभी को कहती हूँ कि साथियों, शॉर्टकट सफलता का मानक नहीं है, बल्कि समग्र तैयारी। यदि आप सही दिशा निर्देश में करते हैं और जो भी पढ़ते हैं उसका बार बार रिवीजन करते हैं, तो निश्चित रूप से आप सभी सफल होते हैं। तो साथियों, मैं आप सभी को कहूंगी कि आप सभी इस भ्रम जाल में कदापि न फंसे कि आपको ये पढ़ना है, आपको ये पढ़ना है, आपको ये पढ़ना है, आपको ये पढ़ना है। आप सभी किसी भी विषय के लिए बार बार कई प्रकार की किताबें एक सब्जेक्ट के लिए ना खरीदें, बल्कि प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए आप सबसे पहले किताबों का चयन करें, क्योंकि ये सफलता के लिए गुरु मंत्र है। और जिस भी किताब का चयन करें, उसको आप अपने मित्र के भांति बहुत ही सहजता के साथ बार बार पढ़ें। निश्चित रूप से वह पुस्तक आपके बहुत ही बेस्ट फ्रेंड के रूप में साबित होगी। तो साथियों, आशा है, विश्वास है कि आप सभी अवश्य ही सही पुस्तकों का चयन करेंगे और निश्चित रूप से आप सभी सफलता का मार्ग प्रशस्त करेंगे। ऑल द बेस्ट।